हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन सुनामीज फ्रॉम द बुक हनी ड्यू क्लास 8। जैसा कि आप जानते हैं, सुनामी ये एक समुद्र में आया हुआ अर्थक्वेक है, मतलब भूकंप है। समुद्र के अंदर जब प्लेटलेट्स टकराती हैं तो ये समुद्र में हलचल होती है, जिससे पानी बाहर की तरफ दौड़ता है, बाहर निकलता है और जो आसपास इलाके होते हैं उनको नष्ट कर देता है, लोग मर जाते हैं। एक तरह की ये कैलेमिटी है, मतलब नेचुरल आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। ये जनरली जापान में आता रहता है सुनामी, और वहाँ पर लोग जानते हैं कि कैसे इससे बचा जाए। लकड़ी के मकान बनाते हैं और जब सुनामी आती है तो मकान बह जाते हैं लोगों के, लोग तैरते रहते हैं पानी के ऊपर, और जैसे ही ख़त्म होती है सुनामी, लोग वापस से अपने जगह पर उन घरों को खींच के रख लेते हैं। लकड़ी के मकान होते हैं उनके। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में कभी कभार ही ऐसा होता है, जो कि 2004 में यहाँ पर सुनामी आई थी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं वहाँ पर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, बहुत सारे लोगों की जान गई थी, और श्रीलंका में भी बहुत जनहानि हुई थी, थाईलैंड में भी बहुत सारे लोग शिकार हो गए थे सुनामी के। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन को। सुनामी ये जापानी वर्ड है, इसलिए टी साइलेंट रहता है। द सुनामी ये नेचुरल कैलेमिटी है और बहुत बड़ा विनाश होता है इससे। ह्यूज डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लोगों के घर बह जाते हैं, घर टूट जाते हैं और लोगों की जानें चली जाती हैं। तो स्टोरी ये बताती है कि लोग इसके शिकार होते हैं, कुछ जो बचते हैं वो किस तरह से हिम्मत दिखाते हैं जीने के लिए, और रिजिलियंस इसको एक्चुअली पढ़ते हैं। रिजिलियंस ये मानसिक तौर पर परफेक्ट होना, मानसिक तौर पर बहुत टफ होना, और उस डिप्रेशन से, उस बीमारी से, जो सुनामी से जो शॉक लगा है, उससे बाहर निकलने की ये कहानी हम इसमें पढ़ेंगे। ज़्यादातर कहानी ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ली गई हैं, और श्रीलंका से भी है थोड़ा, और ये थाईलैंड की भी एक कहानी है। चलिए शुरू करते हैं, और ये हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से ह्यूमन और एनिमल लाइफ के लिए नुकसानदायक होता है, और एनिमल लाइफ के लिए ये चाहे जो ज़मीनी भूकंप होता है या समुद्री भूकंप, जिसको हम सुनामी कहते हैं, सुनामी के नाम से जानते हैं, एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा घातक नहीं होता। उनके पास ऐसा कहा जाता है एक सेंस होता है, जिससे वो अनुमान लगा लेते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है और बच जाते हैं। तो वो भी हम कहानी एनिमल के बारे में भी इसमें सुनेंगे। ये स्टोरीज अंडमान निकोबार, जैसा मैंने बताया, ये आर्किपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड सराउंडिंग सी, समुद्र के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं उनको आर्किपेलागो बोलते हैं। तो ये पहली कहानी शुरू होती है इग्निशियस के बारे में। एक इग्निशियस नाम के एक मैनेजर थे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर थे कटछल में, जो वहीं एक शहर है छोटा सा अंडमान निकोबार में। हिज वाइफ वोक हिम अप सुबह सुबह, जब थोड़ा भूकंप हुआ, ज़मीन हिली, तो वाइफ ने जगाया उसको सुबह 6 बजे। इग्निशियस समझता था कि हाँ ये भूकंप है, तो उन्होंने जो टेलीविज़न टेबल पर था उसको नीचे उतार के ज़मीन पर रख दिया, ताकि वो टूटे नहीं और गिरे नहीं वहाँ से। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस, रस्ट मतलब दौड़ती है परिवार, पूरे सारे लोग घर से बाहर निकलते हैं। When the tremors का मतलब झटके, जो कंपन होता है, stopped जब ख़त्म हो गए वो कंपन, भूकंप हिलना, ज़मीन का हिलना। They saw the sea rising, उन्होंने समुद्र को देखा, क्योंकि समुद्र के किनारे पर ही हैं वो, जो
द्वीप हैं, तो देखा कि राइजिंग मतलब बढ़ रहा था पानी, इन द कैओस, इसको चाओस नहीं पढ़ते, कैओस है इसका, कैओस, कैओस का मतलब एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, चिल्लाहट लोगों में, घबराहट। टॉ ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर, तो उन्होंने बच्चों को पकड़ा, बच्चों को सुरक्षित ले जाने के लिए वहाँ से निकलते हैं। किधर जाते हैं दौड़ते, अपोजिट डायरेक्शन में वो भागने लगते हैं। ही नेवर सॉ देम अगेन, उनको वो दोबारा फिर दिखाई नहीं दिए, मतलब वो सारे के सारे लोग उस पानी में बह गए जो पानी बहुत स्पीड से बाहर आ रहा था समुद्र से निकलकर। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो, पत्नी भी उसकी बह जाती है। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन, उनके बच्चे नहीं, जो तीन दूसरे तीन बच्चे थे जो आए थे वहाँ पर, वो बच जाते हैं। दूसरी कहानी है संजीव की। संजीव वॉज ए पुलिसमैन, एक पुलिसमैन थे, सिपाही थे, सर्विंग इन द कैटचल, कैटचल में वो नौकरी करते थे, कैटचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, वो भी छोटा सा एक द्वीप है कैटचल, जहाँ पर वो सेवा दे रहे थे। ही सम हाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, वो किसी तरह बच गए, अपनी वाइफ को भी बचाया, बच्चों को भी बचा लिया, बेबी डॉटर को उस सुनामी से। लेकिन तभी उसी समय उनको एक चिल्लाहट सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है, जो एक महिला थी, जॉन की पत्नी थी। जॉन कौन थे, ये एक गेस्ट हाउस के कुक थे जो उनकी पत्नी थी। तो संजीव जो चिल्लाती है, आवाज़ देती है, बचाओ बचाओ, तो ये पानी में कूद पड़ते हैं, ये संजीव नाम के पुलिसमैन, उसको बचाने के लिए, रेस्क्यू मतलब बचाना। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, बचाने के चक्कर में ये भी पानी में बह गए, संजीव भी बह गए उसके साथ साथ। ये देखिए 13 ईयर ओल्ड, आगे ये कहानी है, एक मेघना जो 13 साल की बच्ची थी, स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल, 77 लोग और थे उस मेघना के पेरेंट्स थे उनके साथ साथ, बह जाती है पानी में। सी स्पेंड 2 डेज फ्लोटिंग इन द सी, समुद्र में 2 दिन तक वो तैरती रहती है, मतलब बहती रहती है, तैरना नहीं, तैरना तो स्विमिंग स्विमिंग होता है, स्विमिंग, लेकिन ये ऐसे ही बहती जाती है। होल्डिंग ऑन टू ए, किस पर, वुडन डोर, एक दरवाज़ा था उस पर ये उसको पकड़े रहती है। 11 टाइम्स सी शो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर देखे आसमान में उड़ते हुए कि जिंदा लोग हों उनको बचाएं, बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने इसको नहीं देखा। बट दे डिड नॉट सी, सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई ए बेब एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द, जो समुद्री लहरें थीं वही धीरे धीरे करके उसको, जो डोर था वुडन का, लकड़ी का दरवाज़ा था, उसको किनारे पर ले आई, जो वेव्स थी, लहरें थी, और वो किनारे पर पाई जाती है। डेज सीशोर इन डेज, डेज मतलब डरी हुई, सहमी हुई। अलमास, अब ये मेघना के अलावा अलमास की कहानी है। अलमास जावेद वॉज 10 ईयर ओल्ड, 10 साल की लड़की थी। सी वॉज ए स्टूडेंट कैमल कारवेंट इन पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर में एक स्कूल है कैमल कारवेंट के नाम से, वेयर हर फादर हैड पेट्रोल पम्प, जहाँ उसके फादर, अलमास के फादर की एक पेट्रोल पम्प थी। हर मदर राहिलास होम वॉज ननकावरी, ननकावरी में उसकी माँ का घर था, ननकावरी जो आइलैंड है, छोटा सा द्वीप। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, वहाँ पर ये क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए गए होते सारे परिवार के लोग। When the tremors, tremors का मतलब जो झटके हैं, हिलना, came early in the morning, सुबह सुबह जब झटके हुए भूकंप के महसूस किए गए, the family was sleeping, सारे लोग सो रहे थे। अलमा's father saw the sea water recede, अलमा के फादर ने देखा कि समुद्र का पानी है, recede मतलब कम हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, किनारे से मतलब बीच से। और he understood that the water would come rushing back, और वो समझ जाते हैं अलमा के फादर के पानी जो समुद्र के अंदर जा रहा है वो बहुत स्पीड से फिर से वापस आएगा, और
ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, बहुत बड़े फोर्स के साथ आएगा। ही वोक एवरी वन अप एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। उसने सभी को जगाया कि उठो उठो, ये सुनामी आने वाला है, बह जाएंगे सारे लोग। सभी को जगा दिया। एज दे रैन, जब वो दौड़ रहे थे तो अल्मा के जो ग्रैंडफादर थे, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड, कोई चीज़ ऐसी उनके सर में लगती है भाई समथिंग, एंड ही फेल डाउन, वो गिर जाते हैं। तो उसके जो फादर हैं, अलमा के फादर, वो उसको मदद के लिए आते हैं, उनके पास आते हैं। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, जायंट का मतलब विशाल, बहुत बड़ी एक लहर आती है सुनामी की, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम, दोनों को बहा ले जाती है। अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री। अलमा की जो माँ थी और अलमा की आंट थी स्टूड क्लिंगिंग मतलब चिपके हुए, वो कोकोनट ट्री से खड़े हुए थे, चिपके हुए कि वो पेड़ की वजह से बच जाएंगे, बहके नहीं जाएंगे। कॉलिंग आउट टू हर, वो उसको भी बुला रहे थे, अलमा को भी बुला रहे थे। ये बेब अपरूटेड था, एक ऐसी लहर आई विशाल लहर के, उन्होंने उस लहर ने पेड़ को भी उखाड़ दिया और वो दे टू वर वाश्ड अवे, उसकी माँ और आंट्स भी बह के चली जाती हैं पानी में लहरों के साथ। अलमा सॉ ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, ये लॉन्ग नहीं है, लॉग है एलओजी, लकड़ी का लट्ठा, उसने पानी में बहता हुआ देखा। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उस पर बैठ जाती है। देन सी फेंटे, बैठ जाती मतलब पकड़ के उस पर चढ़ जाती है और वो मूर्छित हो जाती है, फेंट मतलब मूर्छित। वैन सी वोकअप, जब वो जागती है, सी वॉच इन ए सी वॉच इन ए हॉस्पिटल इन कमोर्टा, कमोर्टा के हॉस्पिटल में होती है। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है अलमा को। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, वो किसी से बात नहीं करना चाहती है उस घटना के बारे में। सी इज स्टिल ट्रामाटाइज, ट्रामाटाइज का मतलब शॉक में है, सदमे में है वो भी, मतलब उसके सारे परिवार के लोग उसकी आंखों के सामने बह जाते हैं, सुनामी का शिकार हो जाते हैं, मर जाते हैं। और अब ये कहानी देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये थाईलैंड से, द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड के रहने वाले थे ये स्मिथ फैमिली। ये सारे लोग थाईलैंड में क्रिसमस मनाने के लिए गए थे, बीच पर थे, रिसोर्ट में पास में ही ठहरे हुए थे। टिली स्मिथ वॉज ए 10 ईयर ओल्ड, ये 10 साल की लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर ओल्ड, उसकी बहन थी 7 साल की। देयर पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ, वे पेरेंट्स के नाम है, मदर का नाम पैनी और फादर का नाम कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर, 26 दिसंबर की घटना थी 2004 में। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, सुनामी आई चुकी थी सुबह ही सुबह। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई ए मासिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, सुबह सुबह उनको भी महसूस हुए थे के झटके हैं, ये भूकंप के झटके, और उन्हें खतरे का एहसास हो गया था। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पानी का जो स्तर था वो लगातार बढ़ रहा था और जो बीच था बीच की तरफ बढ़ रहा था। पैनी स्मिथ रिमेम्बर्ड, पैनी ने बाद में बताया किस तरह घटना हुई थी। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, मतलब बीच को कवर कर रहा था पानी, समुद्र का जो था स्तर था जल स्तर वो लगातार बढ़ता जा रहा था। आई डिडंट नो वाट वॉज हैपनिंग, उसे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन जो उसकी लड़की थी पैनी की लड़की स्मिथ, पैनी स्मिथ की लड़की टिली स्मिथ, टिली स्मिथ को ये थोड़ा एहसास था दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ कल गड़बड़ होने वाला है।
हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन। उसने उसका जो माइंड था वो वापस जाता है एक जो स्कूल में क्लास में उसने ज्योग्राफी लेसन में इसका एक वीडियो देखा था जब वो क्लास में थी इंग्लैंड में, जस्ट 2 वीक्स बिफोर, 2 हफ्ते पहले ही टीचर ने एक वीडियो दिखाया था ज्योग्राफी टीचर ने। तो अब उसे ध्यान आ रहा है कि ये शायद खतरा है, ये सुनामी है। टिली सो द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल, और लहरें ऊपर उठ रही हैं। एंड फ्रॉम वर्लपूल्स सी रिमेम्बर्ड, जिस तरह से पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था और पानी में चक्रवात जो बन रहा था उससे उसने इसी तरह का वीडियो था कि आने से पहले, सुनामी आने से पहले इस तरह का एक्टिविटी होता है, जो क्लास में देखा था वीडियो सुनामी दैट हैड हिट इन हवाई आइलैंड्स इन 1946। वो वीडियो था 1946 का जो जापान में भूकंप आया, वो ये आया था सुनामी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास, पूरी क्लास को वो वीडियो दिखाया था और उन्हें बताया था कि सुनामी से, सुनामी जो आता है वो अर्थक्वेक से आता है, समुद्र के अंदर जो प्लेट्स होती हैं उन वो टकराती हैं तो ज़मीन हिलती है और फिर ये पानी बाहर की तरफ समुद्र से भागता है, निकलता है। वोल्केनोस से भी ये सुनामी हो सकता है और लैंडस्लाइड्स के कारण भी सुनामी हो सकता है। टिली ने जब ये देखा कि हाँ ये सुनामी के ही लक्षण हैं तो उसने वो चिल्लाने लगती है, स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, अपने परिवार के लोगों को उस खतरे से अवगत कराती है, केवल चिल्लाती है और परिवार के लोग ये समझ जाते हैं कि कुछ खतरा होने वाला है। स्मिथ फैमिली मतलब पैनी और जो कॉलिन स्मिथ हैं वो समझ जाते हैं कि ये खतरा है। हिस्टेरिकल मतलब वो जैसे कुछ बोलने की स्थिति में वो नहीं थी, बोल नहीं पा रही थी, तो कुछ खतरे को एहसास करते हैं स्मिथ फैमिली मदर और फादर। आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वॉच, मदर को नहीं मालूम था, मदर पैनी को, बट सीइंग माय डॉटर सो फ्राइटेंड, मदर जो लड़की थी टिली स्मिथ हो इतनी डरी हुई थी तो सोचा उन्होंने कि कुछ गड़बड़ है, सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कुछ घटना घटने वाली है, इसलिए वो वहाँ से अब जाना चाहते थे। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे, टिली के जो पेरेंट्स थे वो वहाँ से भागते हैं, बीच से दूर जाते हैं, कहाँ पर छोड़ देते हैं, जो स्विमिंग पूल था जहाँ, होटल में आ जाते हैं, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, हाँ स्विमिंग पूल जहाँ था होटल में जहाँ रुके हुए थे वहाँ पे पहुँचते हैं। नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो, जब देखा कि ये दौड़ रहे हैं तो और भी टूरिस्ट जो बीच में थे वो भी भाग लेते हैं जान बचाने के लिए उनके पीछे पीछे। और उसके बाद क्या हुआ था, देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, ऐसे लग रहा था कि पूरा समुद्र का पानी उनके पीछे दौड़ रहा है, आ रहा है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं बोल रही थी दौड़ो दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, का जो तीसरा फ्लोर था उस फ्लोर पर ये पहुँचते हैं, क्योंकि नीचे रहना तो पानी की लहर इतना होता है कि वो डूब जाएंगे, तो थर्ड फ्लोर पर पहुँच गए। और बिल्डिंग विद स्टूड द सर्च ऑफ 3 सुनामी वेव्स, 3 सुनामी की लहरें आई थी, 3 बार टकराया था पानी वहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी लहरें, लेकिन बिल्डिंग थोड़ा मजबूत थी, वो सुरक्षित बच गई। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पर रुके होते तो वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो जीवित नहीं होते, ये एहसास उन्हें हो जाता है। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट, दूसरे टूरिस्ट से भी वो मिलते हैं जिनके जो साथी थे वो सुनामी में बह गए थे। इंटायर फैमिलीज थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, वो सभी धन्यवाद दे रहे थे टिली को और उसके ज्योग्राफी लेसन, ज्योग्राफी टीचर को, कि उसकी वजह से उनकी जान बच गई। दे हैड बीन फॉरवार्न्ड, क्योंकि उनको एडवांस में चेतावनी दे दी थी टिली ने। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, अपने स्कूल वापस जाती है इंग्लैंड में। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, ये जो डरावनी घटना थी, कहानी थी, वो सारे क्लास को बताती है, शेयर करती है टिली।
बहुत सारे जीवन को उसने बचा दिया, बहुत सारे लोगों की जान को बचाया। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट काम ब्लू सी रुइंड हर्ट्स। ये जो पानी होता है बहुत कितना खतरनाक हो सकता है, समुद्र का पानी। बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया, इंडिया में जब ये हिट की थी सुनामी, इंडिया और श्रीलंका में, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो, शायद जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे जिनको पाल के रखा जाता है, और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं या जू में एनिमल्स होते हैं उनको पता चल जाता है वाट वॉज अबाउट टू हैपन, क्या घटना होने वाली है। एनिमल्स में ये सेंस होता है, वो पहले ही एहसास कर लेते हैं। दे फ्लैड टू सेफ्टी, और भाग जाते हैं वो सुरक्षित स्थानों पर। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, जो देखने वाले थे सामने उन लोगों की अगर बात माने तो एलिफेंट्स चिल्लाने लगे थे थोड़ी देर पहले ही सुनामी आने से पहले, और वो जो ऊंचे स्थान थे जहाँ पानी नहीं पहुँचे उस जगह पर पहुँच गए थे। डॉग्स जो थे वो बाहर घरों से बाहर नहीं निकले थे उस दिन। फ्लेमिंगोज जो होते हैं समुद्र नीचे इलाके में जहाँ पानी वानी भरता है वहाँ पर ये ब्रीडिंग उनकी एरिया होती है, वहाँ पर बच्चे देते हैं, वो भी वहाँ से भाग लिए। एंड जू एनिमल्स रस्ट इन टू देयर सेल्टर्स, और जू एनिमल्स थे तो बाहर जो घूमते रहते हैं वो अपने सेल्टर्स में वो भी पहुँच गए थे। एंड कुड नॉट बी इंटाइस्ड टू कम बैक आउट, और वो जब सुनामी आई तो बाहर नहीं निकले। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पजेस सिक्स्थ सेंस, बहुत सारे लोग ऐसा मानना है बहुत सारे लोगों का कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होता है, एक अलग सेंस होता है। ह्यूमन के पास पांच सेंस होते हैं, उनके पास छठवां सेंस भी होता है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, वो जान जाते हैं कि भूकंप कब आने वाला है, सुनामी कब आने वाला है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देन टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन, ऐसा भी मानते हैं कुछ एक्सपर्ट्स कि वो वाइब्रेशन को पता चल जाता है उनको, भूमि में ज़मीन में जो कंपन होते हैं हल्के हल्के वो पता एहसास हो जाता है और वो सावधान हो जाते हैं, लेकिन ये मनुष्य को पता नहीं चलता। इस यही कारण है कि वो आने वाले खतरों से पहले ही अवगत हो जाते हैं और ह्यूमन मतलब मनुष्य को पता नहीं चलता। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट, राइटर यहाँ पर कहता है कि हम ये निश्चित नहीं कह सकते कि सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं एनिमल्स में, लेकिन फैक्ट यही है कि जाइंट वेव्स जो थे, सुनामी जो आई थी उसने बहुत सारे इंडियन ओशन और जो श्रीलंका के पास में किनारे पर लगभग 1.5 लाख लोगों की जानें चली गई थी, दर्जन और भी बहुत सारे देश थे, 1.5 लाख लोग मारे गए थे। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड, लेकिन एनिमल्स बहुत सारे नहीं मरे। अलोंग इंडियाज कडलोर कोस्ट, जो कडलोर कोस्ट है एक किनारा है, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ट, हजारों लोग मर गए थे, पानी बह गए थे। बफेलोज गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म, लेकिन जो बफेलोज थे गोट्स बकरी थे कुत्ते थे उनको कुछ नहीं, एक भी नहीं मरा। दयाला नेशनल पार्क इन श्रीलंका होम, श्रीलंका में दयाला नेशनल पार्क है, बहुत सारे वहाँ पर वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड्स हैं एंड 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, 130 प्रजातियों की चिड़ियाँ भी हैं। 60 विजिटर्स वर वॉस्ट अवे, वहाँ पर जो जू देखने आए थे विजिट करने आए थे 60 लोग वो पानी में बह गए, सुनामी में बह गए। फ्रॉम द पतनगला बीच जो था किनारा था समुद्र का, वहाँ पर वो थे और बह गए इनसाइड द पार्क। बट नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर टू वाटर बफेलोस, एनिमल्स की जो कारकेसेस हैं, कारकेसेस जो होता है एनिमल की डेड बॉडी होती है, और ह्यूमन जो डेड बॉडी होती है उसको कॉर्प्स बोलते हैं, तो केवल दो जो वाटर बफेलो थी उन्हीं वही मिली थे, उनके कारकेसेस मिले थे। अबाउट एन आवर बिफोर द
द सुनामी हिट। पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स। याला नेशनल पार्क में लोगों ने 3 एलिफेंट्स को देखा जब सुनामी आने से पहले। वो क्या कर रहे थे? रनिंग अवे फ्रॉम द पतनंगला बीच। वो दौड़ रहे थे उस बीच से, सुरक्षित जगह पर जा रहे थे। श्रीलंकन जेंटलमैन, ये श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन टू कोस्ट नियर गाले। गाले जो कोस्ट है, किनारा है समुद्र का, वहीं पर एक व्यक्ति था। हिज टू डॉग्स वुड नॉट, उसने बताया कि उसके दो डॉग्स थे, पालतू डॉग थे। वो उस दिन सुबह सुबह और मतलब इच्छा जाहिर नहीं की उन्होंने टहलने के लिए, सुबह जाने के लिए। वो बीच पर रोजाना ही जाते थे, लेकिन उस दिन नहीं गए वो डॉग्स, उन्होंने इंटरेस्ट शो नहीं किया। दे आर यूजुअली एक्साइटेड, जब बहुत वो उत्सुक रहते थे जाने के लिए उधर टहलने के लिए। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, उस दिन उन्होंने मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और उस जेंटलमैन जो थे श्रीलंका के, उनका भी लाइफ बच गया, उनकी जान बच गई। तो ये लेसन है सुनामी, बहुत ही अच्छा लेसन है। इसको कई कहानियाँ हैं इसमें, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसको एक बार और रिपीट देख सकते हैं। वीडियो को पूरी तरह समझ में आ जाएगा। कैसा लगा वीडियो बताएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू।